नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री विद्या चैनल और एनसीईआरटी ऑफिशियल। मैं हूं धर्मेंद्र सिंह। समावेशी कक्षा में आज हम एक और बहुत दिलचस्प साइड टॉपिक लेकर आए हैं। आज हम पेंटिंग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। कल हमने भारतीय संगीत का एक सामान्य परिचय देखा था, आज हम करेंगे पेंटिंग्स पर बात। कहाँ से इसका ओरिजिन है, इसकी क्या महत्वता है, और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये कि पाठ्यक्रम में इसको आखिरकार रखने का उद्देश्य क्या है। समावेशी कक्षा के मद्देनज़र इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। मेरे साथ टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर उदया हसीजा जी। बहुत बहुत स्वागत है उदया जी आपका। चूँकि इस पूरे सेशन में जो भी हम बात करेंगे अपने भाव भंगिमाओं से, एक्सप्रेशन से, इंटरप्रिटेशन से, आप तक वो सारी चीज़ें पहुँचाएँ। क्लास 12 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये सेशन। dts.class12@cit.nic.in ये है वो मेल आईडी जहां पर आप अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं, अपने सुझाव हमें दे सकते हैं। इसके साथ ही साथ एक टेलीफोन नंबर भी है, आई थिंक आपको वो जो वहाँ पर हिप्स हो गया होगा, याद हो गया होगा, 8800-440-559। यहाँ पर आप डायरेक्टली कॉल करके भी अपने प्रश्नों को हमसे साझा कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ी हैं असिस्टेंट मैनेजर मानव रसना यूनिवर्सिटी हरियाणा से, फिलहाल स्टूडियो में ही तशरीफ फरमा है, मिस नेहा वर्मा। बहुत बहुत स्वागत है नेहा जी आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। काफ़ी मेहनत से आप यहाँ तक पहुँची हैं, तो मेहनत कश ये एक टॉपिक भी है। आज हम पेंटिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं, फाइन आर्ट्स जो कि यह सब्जेक्ट और टाइटल हमने रखा है मनुस्क्रिप्ट पेंटिंग ट्रेडिशन। तो पहला प्रश्न तो यही बनता है कि चूँकि हम समावेशी कक्षा की बात कर रहे हैं, सारे स्पेशल नीड्स के बच्चे जमा हैं, बहुत खुश होकर इस सेशन को देखते हैं इंटरेस्ट के साथ। Exactly. तो उस इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए पहले हम इसका ब्रीफ एक देखें कि इसकी आखिर अवधारणा क्या है और कैसे हम मनुस्क्रिप्ट पेंटिंग्स को ट्रेडिशन रूप में समावेशी कक्षा के मद्देनजर समझ सकते हैं। जी सर, सर आपने बहुत ही अच्छी बात एक बोली अभी बीच में जब मैंने आपका इंटरेस्ट सुना कि हमें क्यों फाइन आर्ट्स को इंट्रोड्यूस करना चाहिए क्लासेस के अंदर। आई थिंक जो फाइन आर्ट्स एक्चुअली पार्ट है परफॉर्मिंग आर्ट का, हमारे यहाँ परफॉर्मिंग आर्ट बहुत ही वाइड है, बहुत स्कोप उसका वाइड है। उसके अंदर आपका थिएटर, डांसिंग, सिंगिंग और आपका पेंटिंग्स, सारा कुछ आपका जो आता है ये परफॉर्मिंग आर्ट के अंदर आ जाता है। परफॉर्मिंग आर्ट जो है वो एक एक्सप्रेशन होता है, जो कि हो सकता है कभी कभी कुछ लोग लिटरेचर के थ्रू बहुत अच्छा एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट कुछ लोग उसी को डांस रूप में या सिंगिंग में या फिर उसको किसी इमेजिन करके, कुछ इमेजेस ड्रॉ करके कर सकते हैं। तो आई थिंक जब बच्चे, अगर स्पेशल नीड्स के जो बच्चे हैं, भगवान उनको कोई ना कोई स्किल ज़रूर देता है साथ में, तो वो उस स्किल को एनहेंस करके अपना एक्सप्रेशन हमारे तक पहुंचा सकते हैं। एब्सोल्युटली, आपने अभिव्यक्ति की बात की, आपने एक्सप्रेशंस की बात करी, तो मैं समझता हूँ इससे बेहतरीन कोई भाषा है ही नहीं। आप कितने डांस फॉर्म ऐसे हैं भारतीय संगीत की अगर आप बात करें, कल भी हमने इस पर पूरा एक सेशन लिया था कि उसमें आप शास्त्रीय संगीत की बात करें, उसमें आप जो बहुत सारे ऐसे लोक नृत्य हैं जिसपे आपका चेहरा बोलता है, आपकी जेस्चर्स बोलते हैं, भाव भंगिमाएं बोलती हैं, और वो कहानी उसके माध्यम से बताने की कोशिश करते हैं हम। चलिए, ये तो हमने समझ लिया। अब आते हैं मनुस्क्रिप्ट पेंटिंग ट्रेडिशन अपने मेन टॉपिक पर, उसका ओरिजिन कहाँ से इसकी शुरुआत माने। जी सर, मैं यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन अगर आप दिखा सकें स्क्रीन पे तो वो प्लीज़ दिखाइएगा। जो हमारा पहला चैप्टर है वो है द मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग ट्रेडिशन, चैप्टर 1 क्लास 12 का फाइन आर्ट्स का। सबसे पहले मैं मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में बताना चाहूँगी। मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब होता है कोई भी रिटन कॉन्टेक्स्ट, कुछ भी रिटन में जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है वो मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है। और ये आज से नहीं, बहुत सालों से, बहुत प्रिमिटिव ईयर्स से हमारी संस्कृति में कह सकते हैं कि ये जुड़ा हुआ है। ये एक्सप्रेशन का एक तरीका होता था और मोस्टली ये पाम लीव्स के ऊपर किया जाता था पहले, क्योंकि नेचुरल चीज़ें ही यूज़ की जाती थी। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो ये कपड़े पर, पत्थरों पर, पत्तों के ऊपर, उस तरह से ये प्रेजेंट किया जाता था। और ये बहुत ही अलग अलग भाषाओं में भी लिखा गया है। उसके अलावा मैन्युस्क्रिप्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट एक जो पॉइंट होता है वो ये है कि उसमें कुछ ना कुछ नॉलेज कंटेंट आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे एक इमेज आप देखेंगे नीचे, वो काफ़ी प्रिमिटिव टाइम का है और वो भोजपत्र के ऊपर मैन्युस्क्रिप्ट कुछ लिखा हुआ है, कॉन्टेक्स्ट है, कुछ लिखा हुआ है, कोई ना कोई कॉन्टेंट है जो कि कुछ नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है। जी सर, ये तो मीनिंग हो गया हमारा मैन्युस्क्रिप्ट का। अगर मैं सर बात करूँ ओरिजिन की, तो जिस तरह से हमारे यहाँ बहुत तरह के पुराण, हम माना जाता है कि हिंदुस्तान भंडार है ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद सबका, तो उनमें से ही एक पुराण आता है विष्णु धर्मोत्तरा पुराण। सर इसके अंदर से इस पुराण का नाम जरा दोबारा बोलें। जी सर, विष्णु धर्मोत्तरा पुराण, ठीक है। बेसिकली सर ये पुराण में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है आयुष नंदा जी का,
और इस पर्टिकुलर पुराण के अंदर तीन खंडों की बात की गई है। जो पहला खंड है वो बात करता है सर हमारे जो पौराणिक व्यक्तित्व थे, बहुत ही जो कि प्रभावशाली व्यक्तित्व थे, उनके बारे में ये बात करता है और रीबर्थ के बारे में बात करता है, यानी कि पुनर्जन्म। जो दूसरा खंड है सर वो बात करता है रिचुअल्स की, यानी कि कर्म कांड की। और जो तीसरा खंड आता है सर वो हमारे परफॉर्मिंग आर्ट से रिलेटेड आता है। उसके अंदर हम बात करते हैं प्रतिमा लक्षणा की, जिसका मतलब होता है इमेज मेकिंग। और उस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर, या मैं कहूँ खंड के अंदर सर, हमने बात करी है टेक्निक्स, टूल्स, मटेरियल, परसेप्शन, प्रस्पेक्टिव्स, मेजरमेंट, अपेयरेंस, एस्थेटिक, प्रपोर्शन एंड कंपोजिशन की। मैं यहाँ पे छोटा सा एक पॉज लेके आपको इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा सा बताना चाहूँगी। सर, टेक्निक होती है कि हमने पेंटिंग किस तरीके से बनाई है, या किस मटेरियल पे बनाई है, या कौन सा सरफेस यूज़ किया है। टूल्स की मैं बात करूं, उस पेंटिंग को बनाने के लिए मैंने क्या मटेरियल, यानी कि क्या क्या चीज़ें उपयोग में ली हैं, वो बात करते हैं टूल्स की। जैसे कि मैं बताऊं, अगर फॉर एग्जांपल ब्रश, कलर्स हो गए हमारे, पेंसिल्स हो गए, ये सब टूल्स हैं। मटेरियल्स भी हमारा सर इसी से रिलेटेड आ जाता है कि अदर देन टूल्स हमने और क्या मटेरियल यूज़ किया है। लाइक हमने कोई टेक्सचर देने के लिए सैंड यूज़ करा है, कोई कह सकते हैं कि कोई नेचुरल लीव्स का उपयोग किया है, इस तरह से कर सकते हैं। और फिर आता है सर परसेप्शन। परसेप्शन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है किसी भी पेंटिंग के रूप में। सर परसेप्शन होता है जब आप किसी चीज़ को देख करके अपने कह सकते हैं कि अपने आप से आप उसकी एक इमेज बना लेते हैं। कल्पना हो गई सर, बिल्कुल सर, अपनी कल्पना कह सकते हैं, उसको हम परसेप्शन कहते हैं। क्योंकि जो भी आर्टिस्ट होता है उसकी परसेप्शन की जो एक पावर होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है और होनी भी चाहिए, ताकि वो किसी भी चीज़ को अपने देखने वालों तक प्रॉपरली पहुंचा सके। प्रस्पेक्टिव होता है सर जब हम 3D या 2D डायमेंशनल्स की बात करते हैं। कोई चीज़ 3D, क्योंकि आपने देखा होगा कई पेंटिंग्स होती हैं जो सरफेस पर बिल्कुल फ्लैट नज़र आती हैं, बट कई पेंटिंग्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो डेप्थ होता है सर। और आपको पता लगता है कि अगर मैं किसी जंगल में जा रहा हूँ तो उसकी कितनी गहराई है, वो कितना अंदर तक, कितना डार्क हो सकता है, तो वो चीज़ आपकी हम कह सकते हैं प्रस्पेक्टिव के अंदर आ जाती है। इसके बाद सर मैं बात करूँगी मेजरमेंट की। मेजरमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी पेंटिंग के अंदर। अगर मैं कोई भी चीज़, मेजरमेंट और प्रपोर्शन एक्चुअली दोनों साइड एक साथ चलते हैं, अगर कोई भी चीज़ प्रपोर्शनली मैं ठीक नहीं बनाऊंगी, अगर सपोज़ जो दूर की चीज़ है वो मुझे थोड़ी छोटी दिखेगी, जो पास की चीज़ है वो मुझे थोड़ी बड़ी दिखेगी, अगर मैं इसी प्रपोर्शन को थोड़ा अलग कर दूंगी तो पेंटिंग का लुक और परसेप्शन, और मैं कहूं कि उसका पूरा कंपोजिशन ही ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए मेजरमेंट एंड प्रपोर्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी पेंटिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट हम बात करें सर एस्थेटिक्स की। एस्थेटिक्स में सर कलर कॉम्बिनेशन की हम बात करते हैं। अगर मैं सपोज़ जंगल को पूरा ब्लू बना दूंगी तो आई थिंक वो जंगल का लुक नहीं लगेगा, क्योंकि हम नेचर के अगर देखें तो पानी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ब्लू कलर से। तो ये एस्थेटिक होना पेंटिंग के अंदर बहुत ज़रूरी है सर। बिल्कुल जी सर। कितने सारे आयाम यहाँ पर आपने नेहा जी बताए। टेक्निक्स, ऑफकोर्स तकनीक की हम बात करते हैं। आपने जो ओरिजिन बताया कि आप भोजपत्र पे लिखते थे, एक तरीके का पत्र था यहाँ पर, पहले कागज तो होते नहीं थे, बिल्कुल कलम नहीं होती थी, तो फिर वो इंक कैसे बनाते थे, तो वो एक तरीका होता था उस समय लिखने का, उस पर वो लिखा जाता था। समय जैसे जैसे आगे बढ़ा तो फिर प्रस्तर खंडों पर भी वो चीज़ें लिखने लगी। बड़े बड़े अभिलेख हैं, सम्राट अशोक की हम बात करते हैं, अशोक के कितने महत्वपूर्ण शिलालेख हैं जिन पर प्रस्तर पर लिखी हुई चीज़ें हैं, उनको पढ़कर फिर इतिहासकारों ने उनको फिर एक एविडेंस बनाया, एक प्रूफ बनाया, फिर जिनको आप आगे की क्लासेस में जाकर पढ़ेंगे। तो यस, आपको काफ़ी ऐसी चित्रकलाएं हैं जिससे पत्थरों पर बहुत चीज़ें काफ़ी लिखी हुई हैं जिसके संबंध में हमें बात की। आपने इमेजेस की बात करी जी सर, कल्पना की बात करी। मान लीजिए कि मुझे एक ऐसा चित्र बनाना है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा आवाजाही है, ठीक है, और एक चित्र ऐसा उसी के सामने है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा आवाजाही नहीं है, तो वो दोनों अलग अलग चित्र क्या कहने की कोशिश करते हैं। जब वो चित्र बन के तैयार हो जाए और वहाँ पर कुछ एक दो बातें लिख दी जाएँ, तो मैं अगर वहाँ तो दोनों का तस्करा, दोनों का तुलना मैं कैसे करूँ कि कौन सा चित्र यहाँ पर क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, जिस कल्पनाशीलता की आप बात कर रहे हैं, दोनों को अलग अलग एक इमेज में डिवाइड करके देखते हैं, क्या सोच यहाँ से विकसित होगी हमारे समावेशी कक्षा के विद्यार्थियों की। जी सर। सर जैसे हमने प्रस्पेक्टिव की बात करी थी, तो यहाँ पर सर मैं दो प्रस्पेक्टिव रखना चाहूँगी।
पहला जो है जो कि एक दृश्य है जिसमें कि बहुत सारे लोग भीड़ भाड़ है जहाँ पे बहुत लोग हैं वो हम एक कह सकते हैं कि ये हम बिकॉज हम इंसान हैं ह्यूमन बीइंग्स हैं हम सोशल बीइंग हैं तो हमें सोशली इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। हम सोसाइटी से मिलकर ही बने हैं उन्हीं के साथ चलना है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ जहाँ पर कि हम देखते हैं अगर बहुत कम लोग हैं या बंदा अकेला है तो मैं बात करूँ कि एट द एंड जैसे अकेले आए थे वैसे ही अकेले जाना है शायद, तो ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। और सर इसका देखने का एक दूसरा नज़रिया ये भी है भीड़ में भी रहो तो भी आप अकेले हो और अगर आप अकेले हो तो भी आप अकेले हो। बिल्कुल, तो इसका मतलब ये है कि आपको अपना आत्मविश्वास बढ़ाकर रखना है, खुद में वो सेल्फ बिलीफ जगा कर रखना है कि यस अगर आप हैं तो आपसे ही सारा जहान है और फर्क नहीं पड़ता कि कितनी सारी भीड़ है कहाँ पर आप खड़े हो, यस अगर आप हैं तो ये जहान पूरा मुकम्मल आपसे जाकर बनता है। बिल्कुल, आगे की तरफ बढ़ते हैं और मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग से और क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हम समझ। जी सर, अभी हमने बात करी मैन्युस्क्रिप्ट की, अब मैं बात करूंगी मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग्स के बारे में, क्योंकि मैन्युस्क्रिप्ट होता है सिर्फ रिटन कॉन्टेंट और मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग की अगर हम बात करें तो एक बारी स्लाइड प्लीज दिखाइएगा। मैन्युस्क्रिप्ट इलस्ट्रेशन की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत सारे डिफरेंट फोलियोज से बनता है। फोलियोज का मतलब होता है डिफरेंट लेयर्स ऑफ शीट्स। उसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट पेज होता है वो आपका कॉलोफन पेज कहलाता है। कॉलोफन पेज होता है सर जिसमें आर्टिस्ट की डिटेल्स मेंशन की जाती हैं, किसने ये चित्र बनाया है, कब ये चित्र बनाया गया और कब किस डेट को ये चित्र कंप्लीट हुआ था। बहुत सारी फोलियोज को मिला करके एक जब बंडल बन जाता है तो वो मैन्युस्क्रिप्ट इलस्ट्रेशन का नाम कहलाता है। okay. उसके अलावा सर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो मैन्युस्क्रिप्ट इलस्ट्रेशंस होती हैं उसके एक साइड पर हम पेंटिंग बनाते हैं, पेंट करते हैं, अपना एक्सप्रेशन थ्रू पेंटिंग दर्शाते हैं। ऑन द रिवर्स साइड ऑफ द शीट हम वहाँ पे टेक्स्ट मेंशन करते हैं कि वो पेंटिंग क्या बता रही है। right. तो ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट एक डोमेन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दो पिक्चर्स फिलहाल हम देख रहे हैं स्क्रीन पर, चलिए मियाँ जी समझते हैं कि ये क्या है, क्या बताने की कोशिश कर रही हैं। बिल्कुल सर, सर यहाँ पर ये मैंने दो बहुत ही फेमस पेंटिंग्स ली हैं। एक है भगवत पुराण के साथ, आप देखेंगे कि उसमें कृष्ण जी हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, उनकी जो माखन लीला है वो उसको दर्शाया गया है उस चित्र में, बाल सखा। और सर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ब्यूटीफुली आर्टिस्ट ने हर एक डोमेन को टच किया है, मटकी से लेके मक्खन, जो बच्चे की एक सपोर्ट सिस्टम बनाया हुआ है कृष्ण जी ने, वो बहुत ही ब्यूटीफुली इन्होंने दर्शाया है। अच्छा एक सेकंड, मैं यहाँ पर रुकना चाहूंगा, ये चित्र हम देख रहे हैं यहाँ पे, इसमें आपने कृष्ण जी का जिक्र किया तो कृष्ण जी का नाम सुनते ही वो एक बचपन का उनका वो बाल लीला का चित्र याद आता है कि यस मटकियाँ होनी चाहिए, सखा होनी चाहिए या सखी होनी चाहिए और तोड़फोड़ वाला कुछ माहौल होना चाहिए वहाँ पर, क्योंकि वो एक ऐसा एक इमेज हमारे दिमाग में आता है, प्लान कर लेते हैं उसको, यहाँ पर एक सजीव चित्रण देने की कोशिश की गई है। बिल्कुल बिल्कुल सर। और एक दूसरा चित्र है जो कि त्रिशलास 14 ड्रीम से लिया गया है। त्रिशलास बुद्ध भगवान की मदर का नाम था। यहाँ पर उनके स्वप्न में 14 चीज़ें आई थी, 14 प्रोडक्ट्स आए थे कह सकते हैं, जो कि बहुत ही ऑस्पिशियस माने जाते हैं और पूजा के वक्त उसको यूज़ भी किया जाता है। तो मेरा इन चित्रों को दर्शाने का यहाँ पे एक पर्टिकुलरली मोटो ये था कि जो हमारे पुराणों में है, जो हमारी माइथोलॉजी के अंदर चीज़ें हैं मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर, उन सभी को दर्शाया गया है। तो अगर आप देखेंगे तो वो चित्रों के थ्रू भी रिप्रेजेंट किया गया है और कॉन्टेक्स्ट के थ्रू भी किया गया है। चलिए यहाँ पर एक प्रश्न फिर भी बावस्ता होता है कि जो हमारे विजुअली इम्पेयर्ड्स बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं जो लगातार हमारे साथ क्लास में शिरकत करते हैं या और भी स्पेशल नीड्स के जो बच्चे हैं, उनको हम कैसे ये भान कराएं कि ये जो चित्र है जो 14 ड्रीम्स आपने बताए हैं त्रिशला माता के माध्यम से, उनको हम कैसे ये उनके जहन में लेकर आएँ कि ये ऐसे ऐसे एक चित्र है, भले ही आपके साथ कोई अगर मान लीजिए ऐसी बात है तो फिर भी वो हम उनको रियलाइज़ तो करा सकते हैं, वो भान करा सकते हैं, एक विजुअलाइजेशन हो कि यस इस पर बात हो रही है तो ये चित्र ये होने चाहिए। बिल्कुल सर, हम करा सकते हैं। हम इस तरह की पेंटिंग्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो प्रोडक्ट्स की हमने बात करी, जो 14 आइटम्स का हमने जिक्र किया, हम उनको बकायदा बच्चों के सामने फिजिकली प्रेजेंट करा करके उनको दर्शा सकते हैं, उनको दिखा सकते हैं। और इन पेंटिंग्स से सबसे ज़्यादा मोटिवेशन मुझे लगता है ये मिलना चाहिए सभी को कि जैसे हमारे पुरानों की चीज़ों को हमने रिप्रेजेंट किया है, हम आज अपने एक्सप्रेशंस को भी डिफरेंट तरीके से ऐसे ही एक्सप्रेस कर सकते हैं, पेंटिंग्स के थ्रू भी, कंटेंट के थ्रू भी।
तो मुझे लगता है ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। हम बच्चों से स्कल्पचर्स बनवा सकते हैं सर, उसके अलावा हम उन्हें आउटडोर ले जा करके उन चीज़ों का आभास करवा सकते हैं थ्रू फिजिकल कह सकते हैं कि उनको चीज़ों को दिखा करके और उनको टच करवा करके हम उनको बता सकते हैं। अच्छा नेहा जी, पेंटिंग्स की जब भी बात होती है, जैसे मैन्युस्क्रिप्ट आप अभी लेकर आए हैं, दो जो स्कूल के नाम है ना मेरे जहन में आते हैं, आई थिंक हमारे स्पेशल नीड्स के बच्चों ने भी इसको सुने होंगे अध्ययन अध्यापन के दौरान। एक तो आता है कि वेस्टर्न इंडियन स्कूल ऑफ पेंटिंग और दूसरा आता है उसी के समकक्ष ईस्टर्न इंडियन स्कूल ऑफ पेंटिंग। स्कूल ऑफ पेंटिंग्स क्या हैं, इनके बारे में थोड़ा सा। बिल्कुल सर, सर अगर मैं वेस्टर्न की बात करूं तो जो वेस्ट हमारा इंडिया का साइड है वहां से जो पेंटिंग्स का ओरिजिन हुआ था वो वेस्ट इंडियन स्कूल ऑफ पेंटिंग में आता है। उसके अलावा जो ईस्टर्न साइड से आया है वो ईस्टर्न स्कूल ऑफ पेंटिंग्स में आता है। यहाँ पे मैंने उनको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए टेबुलर फॉर्म में उसको प्रेजेंट किया है, तो वो हम देख सकते हैं। आई थिंक चलिए एक बार देख लेते हैं जल्दी से जी, स्क्रीन पे बच्चे भी देख सकते हैं। सर वेस्टर्न इंडियन स्कूल ऑफ पेंटिंग से जो पेंटिंग्स का ओरिजिन हुआ था वो जैन पेंटिंग्स उनको कहा जाता है। जैन थीम्स जो हैं वो सर जैन धर्म को दर्शाती है। जितने भी जैनियों में जो भी पुराण हुए हैं, जो भी महावीर जी हुए हैं और अच्छा, उनका उनकी शिक्षाएं बिल्कुल सर उनके ट्रेडिशन को आगे बढ़ाते हुए इस चीज़ को प्रेजेंट किया गया है जैन पेंटिंग्स के अंदर। और ट्रेडिशनली ये भी जो पेंटिंग्स होती थी प्रिमिटिव टाइम में वो पाम लीव्स के ऊपर ही हुआ करती थी। आज तो खैर हम कैनवस और बहुत वैरायटी में देख सकते हैं, बट ट्रेडिशनली ये पाम लीव्स के ऊपर की जाती थी। और जैसे कि मैंने आपको बताया महावीर जी का जो टीचिंग था वो इसमें मेंशन किया गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट फोलियोज की जैसे हमने पहले भी बात करी थी, जैन पेंटिंग्स के अंदर भी सर हमारे फोलियोज हैं जिसमें टेक्स्ट मेंशन है, यानी कि टीचिंग ऑफ महावीर जी मेंशन किया गया है। और यहाँ पे मैं कुछ नाम लेना चाहूँगी, महापुराण, महाभारत, गीत गोविंदा, भगवत पुराण, इस तरह के बहुत से जो हमारे वेद हुए या पुराण हुए उनको जैन पेंटिंग ने बहुत ही ब्यूटिफुली दर्शाया हुआ है अपनी पेंटिंग्स के द्वारा। मुगल पेंटिंग भी इसी टाइम पे सर आया था जब हमारा जैन पेंटिंग ओरिजिन हुआ था। मुगल टाइम में मिनिएचर पेंटिंग का बहुत एक प्रचलन रहा था। मिनिएचर पेंटिंग्स थोड़ा सा और इसको क्लियर करें। जी सर, सर मिनिएचर पेंटिंग्स मेनली राजस्थान एरिया से हम इसका ओरिजिन मानते हैं, और ये मुगल, पर्शियन और टर्की यहाँ से इसको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस मिला था मुगल पेंटिंग्स को। ये इसको मिनिएचर कहा जाता है क्योंकि ये बहुत छोटी साइज में होती हैं, बहुत बारीक काम किया जाता है सर इसके अंदर। बिल्कुल, आप आई थिंक जब आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आप लोगों को पता होगा कि मुगल साम्राज्य में जहांगीर का जो काल है, आई थिंक वो चित्रकला के माध्यम से बहुत ही सुदृढ़ माना जाता है। बाहर से भी वो पेंटर्स को बुलवाते थे, बिशन सिंह जी एक बहुत बड़ा नाम था, जो मतलब उनको कह दिया जाए कि हमें ये चित्र बनाना है तो आपको वह बहु वैसे ही एक्स बना के दिया करते थे। तो यस, उस काल को यहाँ से आपने जो जोड़ करने की कोशिश की वो अपने आप में बहुत ही स्वर्णिम एक काल था। मुगल साम्राज्य जब आप पढ़ेंगे तो आप इसको झलक जरूर उसमें पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी सर, उसके बाद आपने बात करी सर पाला पेंटिंग्स की। पाला पेंटिंग्स जो हैं वो पाला साम्राज्य के टाइम पे इसका ओरिजिन हुआ था, और मोस्टली ये बुद्धिस्म टीचिंग को दर्शाता है सर। और इनिशियली ये भी जो की जाती थी ये पाम लीव्स के ऊपर ही की जाती थी। मतलब जैन पेंटिंग्स में जैन शिक्षाएं और उनके आदर्श थे, और यहाँ पाला पेंटिंग्स में हम बुद्ध और उनकी शिक्षाओं की बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली सर, और जितने भी यहाँ पर मॉनेस्ट्रीज होती थी, जो इनकी वर्कशॉप्स होती थी जहाँ पे बुद्धिस्ट टीचिंग करवाई जाती थी, वहाँ पे बच्चों को ये पेंटिंग्स दी जाती थी। और यहाँ पे एक ब्रोंज का काम बहुत इंट्रोड्यूस किया गया था सर उस टाइम पे, उससे भी पेंटिंग्स बनवाई जाती थी। उससे भी बेसिकली यहाँ पे बहुत ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग का चलन था पाला टाइम पे। कुछ एक एक्टिविटीज हम देख सकते हैं, हमारे पास 7 मिनट का समय भी बाकी है, जल्दी से देख लेते हैं। जी सर, पूरी कोशिश रहेगी कि बच्चे कुछ एक्टिविटी करें। एक एक्टिविटी सर यहाँ पे हमने लिखी है, मटेरियल आप देख सकते हैं, लीव्स, निडल, थ्रेड, कलर पेंट, मे बी पेंसिल, ब्रश, स्केच पेन, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगी एक बार स्क्रीन, चलिए देखते हैं। जी सर, ये आप देख सकते हैं कुछ मैंने यहाँ पे लीव्स ली हैं। सर ये लीव्स मैं जो मैं बात कर रही हूँ पाम लीव्स की,
अभी पाम लीव्स तो मेरे को नहीं मिली, जो लीव्स हमें अभी इजीली अवेलेबल थी हमने ली है। एटलीस्ट हमें एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से इस पे वर्किंग होता था। सर इसमें मैं सपोज एक ये वाला लीव ले रही हूँ, सर इसको हमने इस तरह से इसका हमने स्टेम तोड़ दिया है। यहाँ पे निडल का मैंने जिक्र किया था, निडल से हम इसके सेंटर एरिया में एक होल करते हैं और हम इसको दो तीन बार इसको प्रिक करेंगे सो दैट वो होल अच्छे से आपका बन जाए, सो दैट जब आप इसमें थ्रेड अंदर इंसर्ट करना चाहें तो ये इजीली इंसर्ट हो जाए। आप देखिए मैंने यहाँ पे लगभग 5-6 बारी इस निडल को इसके अंदर इंसर्ट किया है। अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक पेन लिया है, मैं यहाँ पर इसका ये फ्रंट वाला जो पोर्शन है मैं यहाँ पर कुछ ड्रॉ करना चाह रही हूँ। चलिए एक आइडिया तो हमें लग ही जाएगा कि आखिर भोजपत्रों पर जो उस समय लिखा जाता था वो आखिर कुछ ऐसे ही एक आइडिया जरूर लगेगा कैसे लिखा जाता होगा। कल्पना तो अजीब सी हैं, अलग अलग सी हैं, लेकिन उसमें दिलचस्प बात ये है कि छोटी छोटी बातें तो थी, साथ में वो काव्य भी उनके ऊपर लिखे जाते थे, वो भी बड़े लंबे लंबे। बिल्कुल सर। तो फिर उस जमाने से लेके यहाँ तक जो हाईटेक एक जमाना हम देखते हैं उसमें भी एक लंबा परिवर्तन, एक पूरी एक क्रांतिकारी परिवर्तन जो देखे गए थे समय के हिसाब से, वो भी मैं समझता हूँ कि आप लोग जब क्लास में धीरे धीरे आगे की तरफ जाएंगे तो आपको उन सारी बातों के बारे में जानकारी होगी, मालूम होगी। जैन पेंटिंग्स और बाला जो पेंटिंग्स की बात हम कर रहे थे, बाला पेंटिंग्स मत कीजिए, उसमें जो अलग अलग जानकारियाँ थीं, जैसे अगर हम जैन शिक्षण की बात कर रहे हैं तो उनके प्रिंसिपल्स, उनकी शिक्षाएं, उनके क्रियाकलाप, उनके धर्म से संबंधित काफ़ी सारी बातें हैं वो सभी उसके अंदर देखने को परिलक्षित होती हैं। साथ में जो पाला पेंटिंग्स था उसमें थोड़ा सा समय परिवर्तन हुआ, जब भगवान बुद्ध का आगमन हुआ तो फिर उनके समय की जो रचनाएं थी, उनके समय की जो शिक्षाएं थी, उनके आदर्श थे, उनके जो अनुयायी थे, वो सारी बातें उन मैन्युस्क्रिप्ट में डालकर लिखी गई, उनको बताया गया और जन जन को, मैं समझता हूँ वो भाषाएँ भी लोक भाषाएँ थी ताकि जनमानस को अच्छे से उन बातों के बारे में जानकारी हो। और बहुत ऐसी कोई क्लिष्ट भाषा नहीं लिखी जाती थी। अगर प्राचीन संदर्भों की आप बात करते हैं तो कुछ एक भाषाएं जरूर थी, आप प्राचीन भारत के इतिहास से देखें तो वहाँ पर ब्राह्मी लिपि लिखी जाती थी, जो लेफ्ट से राइट लिखी जाती थी, फिर आर्माइक लिपि का प्रचलन हुआ जो आई थिंक राइट से लेफ्ट की तरफ जाती थी, फिर एक खरोष्ठी लिपि थी, कुछ एक लिपियाँ तो ऐसी हैं कि जो दोनों तरफ से लिखी जाती थी, खैर वो मनीषियों के द्वारा लिखी हुई भाषा होती थी जिसको समझ पाना पढ़ पाना बहुत मुश्किल था, लेकिन आपको इतिहासकारों के लिए थोड़ा सा टेकेवाव ज़रूर देना होगा कि उन्होंने बड़ी मेहनत करके उन भाषाओं को कहीं ना कहीं ट्रांसलेट किया, समझने की कोशिश की और उसके बाद फिर वो हम सबके सामने उन तथ्यों को लेकर आए जिनसे हम भली भांति परिचित हुए। अशोक का एक हाथी गुंफा अभिलेख भी है, आप सभी को जानकारी होगी, जहाँ पर हम पेंटिंग्स की बात करते तो कितनी सारी जानकारियाँ, भोपाल के भीमबेटका में अगर आप जाएंगे तो आपको निश्चित रूप से बहुत सारी जानकारियाँ मैन्युस्क्रिप्ट के द्वारा वहाँ पर मिल सकती हैं। चलिए यहाँ पर नियाजी का एक लीफ तैयार है, बहुत अच्छे से डेकोरेशन भी हुआ है। जी सर, थोड़ा सा हमने कोशिश करी है कि जितना जल्दी थोड़ा सा बच्चों को एक्सप्लेन कर पाएँ। ये यहाँ पर मैंने एक छोटा सा मंडाला बनाने की कोशिश करी है और मंडाला के अंदर यहाँ सेंटर में मैंने ओम का एक साइन बनाया है और पीछे मैंने यहाँ पे लिखा है यूनिवर्सल साउंड, बिकॉज यूनिवर्सल हमें जैसे माना जाता है कि जो ओम है हमारा वो यूनिवर्सली अनहद नाद माना जाता है। इस वजह से आप देख सकते हैं कि सेम तरीके से भोजपत्रों में पहले अपनी बात को पेंटिंग्स के थ्रू बताया जाता था, फिर उसी कॉन्टेक्स्ट को रिवर्स साइड पे मेंशन किया जाता था और फिर उसके बाद उन फोलियोज को एक के अंदर एक लगा करके उनको टाई करके कपड़े से बांध के सेफली रख दिया जाता था ताकि वो थोड़े टाइम तक स्टे कर पाएं। तो देखिए आपने काफ़ी नेचुरल तरीके का प्रकार बताया है, इस पर घर पर रहकर भी आप पत्ते फूल पत्ते कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ही नहीं कि आप बेवजह उनको तोड़ें, प्रकृति को नुकसान पहुंचाना अच्छी बात नहीं है। यस, आप अपने काम के उपयोग के लिए ऐसी वस्तुओं का उपयोग करें जो वैसे उपयोग में नहीं आ रही हैं, आप उनको उपयोग के काबिल बनाएं। तो घर पर रहकर भी आप इस चीज़ को प्रैक्टिस कर सकते हैं। समय हो गया है कीवर्ड्स को बताने का, हमेशा की तरह आज भी हम लेकर आए हैं आपके लिए 3 कीवर्ड्स। तो सबसे पहला जो कीवर्ड है वो है मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग, सभी लोग देखेंगे उदया जी की तरफ, मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग्स, ग्रेट। दूसरा जो कीवर्ड है, जो अभी हम स्कूल्स की बात कर रहे थे, जैन स्कूल्स ऑफ पेंटिंग्स, यहाँ पर जैन धर्म से संबंधित शिक्षाओं और सिद्धांतों का वर्णन है। उसके बाद ऑफ कोर्स पाला पेंटिंग्स,
पाला पेंटिंग्स, यहाँ पर बुद्ध समयकालीन रचनाओं, सिद्धांतों, आदर्शों और शिक्षाओं का वर्णन देखने को मिलता है, वो है पाला पेंटिंग्स। बहुत बहुत शुक्रिया उदिया जी। चलिए, क्लास तब तक कंप्लीट नहीं माना जाता जब तक कि उसमें होमवर्क ना दिया जाए। तो नेहा जी, इतनी महत्वपूर्ण बातें आपने बताई, बहुत ही रोचक भी थी और बड़ा मज़ा आया सुनकर उनको करने में। होमवर्क हमारे बच्चों के लिए क्या आसान करके आए हैं? बिल्कुल सर, होमवर्क के लिए मैं आपको बताना चाहूँगी, हमने कोशिश करी है कि सभी बच्चे अपना होमवर्क कर पाएँ। उसके लिए हमने पहला जो हमारा प्रश्न है वो है, कलेक्ट टू पिक्चर्स ऑफ जैन स्कूल ऑफ पेंटिंग्स एंड राइट डाउन द स्टोरी अबाउट दैट इमेज। कोई भी दो स्टोरीज आप ले सकते हैं जैन धर्म से और उनको आप, उनसे रिलेटेड पेंटिंग्स को आप देख करके उसकी स्टोरी आपको लिखनी होगी। उसके अलावा उसमें आपको पिक्चर्स भी पेस्ट करनी है। नेक्स्ट है आपका, आपको रिकॉर्ड करना है 2 से 3 मिनट का एक ऑडियो जिसमें कि आप मैन्यूस्क्रिप्ट पेंटिंग्स और मैन्यूस्क्रिप्ट पेंटिंग्स दोनों अलग चीज़ हैं, जो मैंने अभी आपको इनिशियली बताया था स्टार्टिंग में। आप उन दोनों को ऑडियो रिकॉर्ड करेंगे 2 से 3 मिनट का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राइट एन आर्टिकल और गिव अ प्रेजेंटेशन अबाउट पाला पेंटिंग्स। ये आप आर्टिकल भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो इसको प्रेजेंट कर सकते हैं या एक्ट कर सकते हैं, जो आपको सुविधा हो आप उस हिसाब से अपना होमवर्क कर सकते हैं। हमारा नोटिफिकेशन पार्ट भी देख लेते हैं जल्दी से। बिल्कुल सर, मैन्यूस्क्रिप्ट पेंटिंग्स के बारे में थोड़ा सा आप बताइएगा, उसके एग्जाम्पल्स लिखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन यही है, राइट अबाउट मैन्यूस्क्रिप्ट पेंटिंग्स। सेकंड क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई टू प्लेसेस वेयर मैन्यूस्क्रिप्ट पेंटिंग्स हैव बीन प्रिवेलेंट। मैन्यूस्क्रिप्ट पेंटिंग से रिलेटेड आपको थोड़ा सा हिस्ट्री पता करनी है और अकॉर्डिंगली आपको वहाँ पे मेंशन करना है 2 प्लेसेस जहाँ पे ये स्टार्ट किया गया। थर्ड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब डिफरेंस बिटवीन पाला एंड जैन स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। ये अभी आपने जैसे टेबुलर फॉर्म में देखा है, आप इसी तरह से इसको होमवर्क में कर सकते हैं, चाहे तो रिलेटेड पिक्चर्स भी साथ में अटैच कर सकते हैं। एब्सोल्युटली, बहुत बढ़िया, इतना कोई कठिन होमवर्क नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। एक छोटा सा इंट जरूर है कि आप इस होमवर्क को करने से पहले ये वाला जो सेशन है इसको दोबारा से आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, उसके बाद आपको जब क्लैरिटी हो जाए फिर आप जरूर इस होमवर्क को करें। होमवर्क करना जरूर है, ये एक जरूर आवश्यक शर्त बन जाती है। कहाँ इसको आप सबमिट करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबमिशन फॉर्म आप सभी को जैसे कि विदित है कि आपको अपना नाम लिखना है, अपनी टीचर का नाम लिखना है, स्कूल का नाम लिखना है, डेट मेंशन करनी है, किस क्लास से आप हैं वो भी आपको मेंशन करना है, स्कूल का एड्रेस भी आप ज़रूर डालेंगे, और ऑफकोर्स चूँकि क्लास 12 की बात हो रही है तो उसको आपको भेजना कहाँ है, यहीं पर ही भेजना है। ई मेल आई डी क्लास 12 के लिए dts.class12@cit.nic.in। और यस, एक और बहुत खास बात कि जो फोटोग्राफ है वो ऐच्छिक है, आप ज़रूर चाहें तो अपनी फ़ोटो वहाँ पर लगा सकते हैं, एक आदर्श स्थापित कर सकते हैं, जो पूरी मिसाल के तौर पर NCERT के मंच से जानिब से हम पेश कर पाएँ पूरे हिंदुस्तान में कि यस, आपके द्वारा किया गया होमवर्क कितना कमाल का था, बहुत अच्छा था, और ये एक आदर्श स्थापित करेगा और भी बच्चों को प्रेरित करेगा होमवर्क करने के लिए। तो ये एक छोटी सी कुछ बातें हैं आपको करनी थी, समय हमारे पास इतना ही था। नेहा जी, बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। शुक्रिया सर, मैन्यूस्क्रिप्ट से संबंधित, पेंटिंग से संबंधित इतनी महत्वपूर्ण बातें बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। जितने भी दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे थे उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया। आगे है पैसिव ऑनलाइन सीरीज मीट द ऑथर, छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए मेरे साथ।